सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आई अनदर ब्लॉग। तो गाइस, काफ़ी दो दिन का गैप देने के बाद फाइनली आज ब्लॉग में हम आ रहे हैं वापस। और दोस्तों, जस्ट कल के डेट में हमारे घर है रक्षाबंधन, और मैंने सोचा क्यों ना जाने से पहले दीदी के यहाँ पे इस बारी कुछ अलग सा दिया जाए। तो हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, और वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और वहाँ पर जाएंगे दीदी के लिए कुछ लेके आएंगे हम। ठीक है, तो आप ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब से शादी हुई तब से तो मतलब दिन ही बदल गए हैं। तो दीदी क्या जा रहे हैं, दीदी के लिए शॉपिंग लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, और कुछ बच्चे के लिए कपड़े लेके आएंगे हम, और कुछ दीदी के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। ठीक है, और ब्लॉग में आप बने रहना। तो ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। अभी बज रहे हैं 3, और 3 बजे हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से। काफ़ी देर से नहा रहे थे, धो रहे थे, तैयार हो रहे थे, बट अब हो गया फाइनल। तो अब डिसाइड हो गया, अब जाने वाले हैं, और देखते हैं वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। वैसे पिछले बार मैं सूटकेस को लेके गया था तो इसने 4000 रुपये शॉपिंग में बर्बाद करवा दिए थे मेरे, बट इस बार देख रहा हूँ क्या होने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहना और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। गंद फैलाने वाली औरत देखो, अभी दिखेगी, ये फैला दिया इसने गंद। गंद फैलाने वाली, आज के टाइम में गंद फैलाने वाली औरतें बहुत ज़्यादा हैं। आप देखो, पूरे गंद जैसी खुद अपने आप को फेंकता नहीं है, ये गंद फेंकी जाती हैं। संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है चारों तरफ से, इतनी गाड़ियाँ मैंने देखी नहीं पहले, इतने ज़्यादा क्राउड। तो थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के अंदर, अभी पीछे से दिखाता हूँ मैं। आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है चारों तरफ, इतनी गाड़ियाँ मैंने पहली बार देखी हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़। वैसे है ना, यहाँ पे हर बारी 10-12 गाड़ियाँ ही होती हैं। वैसे तो मैं 2-4 कपड़े लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि है ना इसने शॉपिंग के नाम पे पहले मेरा बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करवा दिया है। ठीक है, लग गया, मजा आया। तो सही से लगाना, तुम्हारे लगाने में मेरे को भरोसा नहीं है। रुमाल अंदर घुसा दो ना उसके, देखते हैं आज अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। और है ना, अंदर वैसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि अंदर पे काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों पिछले बार में आए थे ना यहाँ पे तो मना कर रहे थे, क्या थे वीडियो नहीं बनाना। तो मैं अंदर जाके वीडियो बंद कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ी देर शॉपिंग करते हैं और वीडियो में बने रहो। वहाँ से तो दिख नहीं रहा, तो फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमारा डिसाइड ये हुआ है, क्योंकि हमने सोचा, क्योंकि मैंने कोई शॉपिंग नहीं करा और यहाँ आने के बाद हम टोटली पजल हो रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना यार, सामान लेने से अच्छा मैं पैसे दे दूंगा, जो लेना होगा वो अपने मन से ले लेंगे। तो हमने भी कोई शॉपिंग नहीं करी, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। और सोचा हूँ दीदी को बस वहाँ पर गिफ्ट की जगह मैं पैसे दे दूँगा, और क्योंकि मैंने दीदी के लिए रक्षाबंधन पर साड़ी ले ली है, और दीदी साड़ी पहन लेगी या सूट, पता नहीं क्या है उसने लिया, सुरकेश ने लिया, उसको दे दूंगा। और बस फिर, क्योंकि यार मैं ना पजल चाह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लूँ क्या लूँ, क्योंकि हम अगर ले रहे हैं तो हमारा 3000 रुपये का बजट खर्चा बैठ रहा है, और इतना मेरा है नहीं बजट। अभी मैंने 1500 रुपये का बजट लेकर आया हूँ, उस बीच में ज़्यादा खर्चा बैठ रहा है। और सुरकेश अंदर अभी शॉपिंग कर रही है, उसको मैं मना करूँगा उसको कि नहीं करना। तो हम यहाँ से जा रहे हैं शाम को, अब वो सुरकेश करिए, मैंने अपना थ्रेडिंग करवाना है, थोड़ा ब्यूटी पार्लर में जाना है, तो ब्यूटी पार्लर में जाएगी वो। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, कब आएगी पता नहीं, आ जाए तो अच्छा। पैसे खर्च कराने वाली औरत है इसका नाम। तो गाइस फाइनली हमने शॉपिंग कर लिया, और यहाँ पे आए हैं प्रेस कराने के लिए अपने भैया की दुकान पे। भैया के नहीं, देखो इस दिमाग चाटू औरत को, सर में तुम्हारे घुटने में, तुम्हारे उंगलियों में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारी नाक में, सब जगह दर्द होता है। हर बारी शॉपिंग में जाते हैं, अपने कपड़े बहुत सारी लेके आ जाती है, मैं अपने लिए एक भी कपड़े नहीं लेता,
इसके बिल बहुत मोटे बनते हैं। तो फाइनली कुछ शाम बज गया, 5 बज गए, अब हम आए हैं अपना प्रेस करवाने के लिए कपड़ा, और फिर उसके बाद कल रक्षाबंधन पे पहनना है। और दीदी के लिए शॉपिंग मेरी हो गया काफी ज्यादा, और फिर इसके बाद मिठाई लेनी है, मिठाई लेके फिर हम आंटी के घर पे रख देंगे और फिर चलेंगे घर पे, क्योंकि फिर घर पे भी जाके आराम नहीं है, फिर पापा को छोड़ना है, मतलब आराम है नहीं, काफी ज्यादा काम है, पूरे दिन ही काम होगा आज मेरा, भाग दौड़ चलता ही रहेगा। ठीक है, लोग कैसा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और मिलता हूँ आप थोड़ी देर बाद, ठीक है, घर पे। वाह, ये तो यार गैस से चलने वाली प्रेस आ गई। वैसा गैस से चलने लग गया यार, ये तो बढ़िया प्रेस आ गई। कब से चल रही है भैया ये? और हम आज तो गाइस अब हम आए हैं, शाम के बज गया, 5:30 हो गया, और हम आए हैं अपनी दीदी के घर पे, और आज के डेट में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, क्या है कि हमने मिठाई ली थी कल रक्षाबंधन है, उसके लिए हमें ना, हमारे पास फ्रिज नहीं है, तो हमें ना अपनी दीदी के घर पे आए हैं। ये देखो, ये है दीदी का घर, और यहाँ पे हमें ना, मतलब हम सोच रहे हैं, हम पता नहीं कल के दिन हमें मिठाई रखने के लिए, मतलब ख़रीदने के लिए 8 बजे सवेर को ही दुकान मिलेगी नहीं मिलेगी खुला हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना हम आज ख़रीद के एक दिन पहले एडवांस में अपने दीदी के यहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। और इस बार ये ना हमारा रक्षाबंधन, इस रक्षाबंधन में मैं सच बताऊँ मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, जिसको अगर हमने वापस भी करा ना, अगर हमने इसको कमाया तो मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा, इतना खर्चा हुआ है। और मैंने सोचा था 1500 से 2000 का खर्चा होगा, बट देख लो कितना ज़्यादा हो गया इस बार हमारे रक्षाबंधन पे बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा हुआ है। हर बार ना हम ये सोच के आते हैं कि 2-4 सामान लेना, और यहाँ आगे 10 सामान ले लेते हैं फालतू में, और पैसे और बर्बाद हो जाते हैं। तो बस, और एक दीदी के लिए वो कपड़े लेने थे, और अंशु के लिए लेने थे, बच्चे के लिए लेने थे, हम ऊपर गए वहाँ पे इतने महंगे महंगे दिखा रहे हैं 1100 रुपये के, तो हमने मना कर दिया और सीधा फिर वहाँ से आ गए। और वैसे शॉपिंग हमने बहुत ज़्यादा करी है, फिर भी यूँ मान ही नहीं, सूटकेस में शॉपिंग किया, और शॉपिंग हुई है कम से कम 1400 रुपये की, तो शॉपिंग हुई है। और फिर 600 रुपये की मिठाई, मैंने आज तक कभी है ना 600 रुपये की मिठाई नहीं ली, मैंने हमेशा लिया ना, हमने कभी भी मिठाई लिया 200 रुपये या 250 की हमने मिठाई लिया, 600 रुपये किलो मिठाई मैंने आज तक नहीं कभी ली। सुबह देखो जैसे आइए आप, 600 रुपये किलो मिठाई भी ले रहे हैं हम, और ताकि रक्षाबंधन पर हम दीदी को दे सकें। वैसे देखा जाए आज बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा पसंद हुआ। और ये आ गई है मैडम जी, चलो बैठो। तो आज हम अपनी बीवी के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए, उसके लिए हम कुल्फी लाए हैं। कैसी है कुल्फी, दिखाओ खोल के। कुल्फी यार पिछले बारी इसके साथ चम्मच मिला था, कहाँ है दिखा नहीं मुझे। ये देखो ओवर एक्टिंग। ये देखो दिखा 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 इधर दिखा इधर दिखा इधर दिखा। देख रही हो काजू कतली, मजा आया, खुश हो गया दिल, सुपर सेवी जुपर, थैंक यू, गार्डन गार्डन हुआ दिल, दिल गार्डन गार्डन। और बाद में ना ये हांडी को हम पता है किस तरह यूज करते हैं, 4 पैकेट के लिए। एक कप है, चम्मच में आता है, 7 मिनट। गाइस हम काफी ज्यादा आज शॉपिंग करके आए हैं, और अभी बज रहे हैं कितने, 8:30 हो गए, देखो घड़ी में देखो 8:30 हो गया। हमारी फोटो देखो कैसे अच्छी लग रही है, कैन यू इमेजिन कि ये 200 रुपए का। ये भी मतलब सारे कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने के लिए, ठीक है। इसके अगर मैं रेट की बात करूँ, ये 400 रुपए का इतना था, इतना तो बड़ों के आ जाते हैं, अगर मैं भी ऐसा लेना चाहूँ तो मेरा भी 400 से 500 रुपए तक का आ जाएगा, लेकिन छोटे का भी इतना आता है। ये है 379 का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शॉपिंग, और मतलब कि बच्चों के कपड़े लेके आए, और ये मतलब कि हम सारा दिन 11-12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मार्केट में थे, मतलब पूरी तरह से पजल हो गए थे कि मतलब
क्या क्या लेना है इस तरह से, मतलब आपको पता ही है ना मार्केट में जाके कितना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है इस तरह से। बाकी ये सब है दोस्तों, बाकी हमारी वीडियो पूरी देखना ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कल हम न्यू ब्लॉग लेके आएंगे बहुत ही अच्छा रक्षाबंधन वाला। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।